हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अल्टीमेट हिंदी टिप्स। तो मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में सीपी प्लस कैमरे को रीसेट करेंगे आईपी कैमरे को। तो मेरे पास है सीपी प्लस का आईपी कैमरा, आप देख ही रहे हैं। तो इसका कोई मेथड नहीं है, इसको ओपन ही करना पड़ता है और इसको पिन शॉर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद इसको हार्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो कैमरा है, इसका आईपी जो है वो लगा के भूल गए हैं और पासवर्ड इसका नहीं मालूम। तो इसको आप आईपी फाइंडर से यहाँ पे फाइंड किया कंप्यूटर में, यहाँ पे भी शो नहीं हुआ, पर इसका आईपी मुझे मालूम है, पर मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मालूम। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम इसको रीसेट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर, आपने इसको रीसेट कैसे करना है, पहले तो इसको पावर दे दे कैमरे को। मैंने देखी यहाँ पे पीओ से यहाँ पे पावर दी हुई है पीओ स्विच से, और जब कैमरे को पावर दी होगी तभी आप इसको हार्ड रीसेट करेंगे, तब ये रीसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद आप कोई भी चीज़ ले लें, जैसे कि आप ट्वीज़र ले सकते हैं, कोई भी आप चीज़ ले लें, जैसे कि आप यहाँ पे कोई पिन वगैरह मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये वाली पिन ले सकते हैं दोनों तरफ से। ये मैं बताता हूँ, इसको ऐसे दोनों तरफ से देखिए ऐसे निकाल लें, इसको ऐसे कर लें, देखिए ये हो गया ऐसे दोनों तरफ से। तो इसको हम कैसे, देखिए ये दोनों तरफ से आप ऐसे इसको कर लें। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो दोनों पिन हैं इसको हम पकड़ के यहाँ पे आपने देखना, ये कैमरे को ओपन करेंगे, आप ध्यान से कैमरे को ओपन करना कि आपकी और पावर ना हो जाए। अभी कैमरा जैसे कि ऑन है, यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे जंपर होंगे, जैसे इसको देखिए ये दो हैं, यहाँ पे J7 लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे J7 लिखा हुआ, इन दोनों को जे वाले दो, ये दो पॉइंट ये वाले, इन दोनों को शॉर्ट करना है, आपस में लगा के रखना है, लगभग एक मिनट तक लगा के रखेंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। एक मिनट तक लगा के रखना है मतलब इसको पावर ऑन रखना है, तभी इसको आपने अटैच करना है, उसके बाद इसको आपने छोड़ना है एक मिनट के बाद, फिर ये जो आपका कैमरा है वो हार्ड रीसेट हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर से इसको बराबर करके, एक मिनट, ये देखिए ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे रखना है, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे जोड़ना है, ये दो पिन, इन दो पिनों को आपस में जोड़ कर रखना है एक मिनट तक, पावर ऑन रखनी कैमरे की, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। जब ये छोड़ देंगे उसके बाद कैमरे को एक बार बंद करके ऑन करेंगे, एक मिनट तक इसको लगा के रखना है, उसके बाद बंद करके ऑन करेंगे, जो आपका कैमरा वो हार्ड रीसेट हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट आईपी जो है सीपी प्लस का वह 192.168.1.250, तो ये अपना इसका डिफ़ॉल्ट आईपी में आ जाएगा। उसके बाद आपको पूछेगा यूज़र नेम और पासवर्ड नया लगाने के लिए, क्वेश्चन आंसर ईमेल आईडी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इस प्रकार से आप इसको रीसेट कर सकते हो और यहाँ पर आपका जो आईपी है वहाँ पर फाइंड हो जाएगा, जो आप इसको कंप्यूटर से अटैच करोगे। तो इस प्रकार से आप इसको रीसेट कर सकते हो, और कोई मेथड नहीं है इसको रीसेट करने का, ये ऑफिशियल मेथड है सीपी प्लस की तरफ से। इसी प्रकार से आप इसको ओपन करके स्क्रू निकाल के, इसके सामने एक ये लगा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके आगे लगा तो इसके ये ग्लू लगी हुई, तो इसको खार सकते हैं, उसके बाद ये दो स्क्रू लगे होंगे, दो स्क्रू निकाल के ये पूरा पूरा कैमरा बाहर आ जाएगा, आप यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।